तो साथियों, धरना रैली बांसवाड़ा में अब समाप्त हो गई है और अब हम चल पड़े हैं बस की ओर। क्या राज, चले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम अमित है और मैं एमकेएस से जुड़ा हुआ हूँ और आज का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जवाबदेही कानून के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए। ये पूरी नदी है जहाँ पर इसको हेरिटेज बनाने, इधर उधर दोनों तरफ हेरिटेज बनाई जा रहा है ताकि ये पर्यटकों को बढ़ावा मिले और यहाँ नावें चलेगी जैसे हमारे उदयपुर में सुखड़े सर्कल में चलती वैसे। काम रुका हुआ है अभी और बांसवाड़ा में आज 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन, तो आखिरी दिन का सेलिब्रेट जहाँ लोग करते हैं वही हम लोगों के लिए, जनहित के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जल्दी आओ, तो जनहित में अपनी भागीदारी और जवाबदेही कानून की मांग को लेकर आज हमारी जनसभा यहाँ पर हुई है, रैली हुई है। बहुत ही हमारे जितने भी वक्ता थे उन्होंने सब अपने अपने संदर्भ प्रदान किए हैं और जवाबदेही कानून को मांग के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो देखिए बांसवाड़ा का ये बाजार है, कुछ गुलजार बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये शाम शाम को बड़े ही रोशन हो जाते हैं सारे बाजार। यहाँ पे पानी पूरी, पाव भाजी, हर एक आनंद है यहाँ पे। तो आपको जो खाना चाहे शाम शाम को सारे ठेले वाले, लारी वाले फिसल करके इस बाग में। तो आपको अगर टेस्ट करना है, अच्छा खाना खाना है तो यहाँ पे है। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, बांसवाड़ा आए तो काफ़ी चीज़ें देख ली है। तो ये तो मेरा ससुराल है, हालांकि आता ही रहता हूँ यहाँ पे। तो आज क्योंकि जवाबदेही यात्रा में पूरा है तो ये हमारी बस खड़ी है। तो बस के साथ और हमारे इन सभी साथियों के साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये सभी हमारे जवाबदेही के योद्धा हैं। तो ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत की, कब तक लक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। और अब धरना समाप्त हो गया है और अब हम थोड़ा सा जो यहां पे वागधारा का कोई आश्रम है वहां पे हम रात्रि विश्राम करने वाले हैं। आइए, हमारे बीच में समर भैया है। समर भैया, कैसा रहा आज का धुएंदार प्रदर्शन? अरे थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजाए हाय पांडे जी सीटी। बताओ तो साथियों, समर भैया कुछ बता दे। बता बता के परेशान हो चुका हूँ। बहुत ही खूब, ये हमारे घनश्याम भैया है, गोविंद भैया है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े पत्रकार साहब हैं बड़े, और आज इनको एक बड़ी उपाधि मिली है कि सबसे महान पत्रकार, खतरनाक पत्रकार है। और ये जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी पत्रकारिता करते हैं उसको जी जान से करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाह देखिए कुछ शूट हो रहा है, क्यों देखिए, और कुछ नहीं मिले, कबूतर को शूट करने गए। तो चलिए मैं भी जाता हूँ कबूतरों के पास एक कबूतर बनके। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो वो देखिए हमारी टीम वो आ रही, पगड़े पहने हुए, एक पगड़ी, दो पगड़ी, तीन पगड़ी, चार पगड़ी और पगड़ियों में पगड़ी। जिंदाबाद। तो देखो बांसवाड़ा में आखिर आवाज़ गूंज उठी, आवाज़ बांसवाड़ा में बहुत ही ज़बरदस्त। और ये रहे हमारे वीडियो बनाओ आग पर दिन मार। ये रहे हमारे सत्यनारायण जी राव साहब। और कैसी रही यात्रा? यात्रा एकदम शानदार रही, एकदम फर्स्ट क्लास यात्रा। हाँ, फर्स्ट क्लास यात्रा रही है। और यात्रा में गीत गाने हर एक जैसे भी जनता समझ सके, जैसे हमारे लोग समझ सके उस भाषा में हम लोगों ने बताया है, सभी को जानकारी दी है, जागरूक किया है। बांसवाड़ा का आज बहुत बड़ी तादाद में शिकायतें भी लिखी गई है जिसमें सिलिकोसिस की सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद जंगल जमीन वाले मुद्दे ज़्यादा थे, BOCW के भी मामले थे। बिल्कुल। तो
की इसकी आवाज़ जा रही है इसमें, तो काफ़ी मुद्दे जो है वो निकल के आए और थोड़ा सत्यनारायण जानने की कोशिश करेंगे कि ये चरमराई व्यवस्थाएं हैं किसकी, चरमराई प्रशासन की जो चरमराई जो व्यवस्था है वास्तव में जवाबदेही कानून क्यों जरूरी है ये थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये थोड़ा सोचने की बात है और ये गंभीर मामला है कि मतलब ये वास्तव में सही बात है कि पटवारी के पास में जाएं, तहसीलदार जी के पास में जाएं, या कहीं ना कहीं सरपंच साहब से मिलने के लिए जाएं, तो वास्तव में जिस चीज़ को हम जिस चीज़ को सूचना हमें लेना होता है क्या जिस चीज़ की हमें सूचना लेना होता है तो हमें सूचना पूरी बराबर नहीं मिलती है, इसलिए जवाबदेही कानून बनना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इतना बड़ा पेमेंट मिलता है, इतने उनका अवकाश सब मिलता है, वो नौकरी रिटायरमेंट होने के बाद में उनको लाखों रुपए का मिलता है, तो इसमें उसका एक जवाबदेही भी होना चाहिए, तो जवाबदेही कानून बनना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, बांसवाड़ा से आपने एक एक दृश्य देखे, नहीं देखे हो तो जाइए पीछे वीडियो में जाइए और देखिए सारे दृश्य, आज के सारे वीडियो देखिए, खूब देखिए, कमेंट कीजिए और इस जवाबदेही यात्रा में जो हमारे साथियों ने बोला उस पर सुंदर सुंदर कमेंट करके हमारे लोगों को जागरूक कीजिए और ये वीडियो अपने परिवार के सब लोगों को भेजिए इधर उधर। कैसा लगा बांसवाड़ा? बहुत अच्छा। बांसवाड़ा तो बांसवाड़ा है साथियों, तो बांसवाड़े का क्षेत्र में तो चल लेते हैं, तो आपसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद जिंदा।